बाकी हमारे वर्ड रह जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, और उनके साथ हम क्या यूज करते हैं आ। अब ये तो हो गया एक रिव्यू जो कि हम बचपन में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए आपको यहाँ बताया है कि वो लोग जो इनसे भी नाबल्द होते हैं, जिन्हें इनके बारे में भी मालूम नहीं होता कि इंग्लिश क्या है, कैसे है, क्या चीज कहाँ यूज होगी, आर्टिकल के लिए ये चीज बहुत, आर्टिकल जब करने जाते हैं उन्हें आर्टिकल करने होते तो उन्हें पता ही नहीं होता कि एन कहाँ लगाना है, आ कहाँ लगाना है, दा कहाँ लगाना है, तो उस उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। नाज़रीन हम अब इससे आगे बढ़े, हमारे पास इसके बाद आएगा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस बिलोंग्स टू वन ऑफ द एट पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द वर्क इट इज डूइंग इन दैट सेंटेंस। द एट पार्ट ऑफ स्पीच आर, अब आपको कौन सा वर्ड कहाँ कैसे यूज करना है और कौन सा वर्ड क्या कहलाता है, अब हम इसको समझना और सीखना सीखने के लिए चलते हैं। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब हम इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ये देखना है कि कहाँ पर क्या रूल यूज हो रहा है या कहाँ पर कौन सा वर्ड क्या कहलाता है। जैसे कि हम उर्दू में देखते हैं, उर्दू की जब हम ग्रामर सीखते हैं उसमें इस्म क्या है, इसमें सिफत क्या है, फेल क्या है, माजी क्या है, इसी तरह हम इंग्लिश में भी ग्रामर सीखते हैं। इंग्लिश की ग्रामर में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो आता है वो है हमारे पास नाउन। उर्दू में आपको ये अच्छी तरह से रटी हुई होगी तारीफ, इस्म क्या है, इस्म वो चीज जगह, किसी चीज जगह का नाम होता है। इसी तरह हम इंग्लिश में देखते हैं नाउन, सबसे पहले हमारे पास है नाउन। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं ये। They stand for the name of people, place, animals and things. किसी चीज, जगह, जानवर के नाम। मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो। They are the naming word. The name of people, place, animal and things. Our next example is, he has two cows.
And the next is he is fond of reading books. He is fond of reading books. Now we see where is noun in these sentences. As we know, noun stands for the name of people, place, animal and things. अब हमने यहाँ जुमले बनाए हैं तो अब हम इसमें देखेंगे कि noun यहाँ कहाँ है. अब इसमें किसी शख्स, मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में, इंग्लिश के साथ उर्दू में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज का नाम. लाहौर, काउस, बुक्स, ये हमारे पास नाउन आ गए हैं. अहमद किसी शख्स का नाम, लाहौर किसी जगह का नाम, काउस किसी चीज का नाम, काउस जानवर का नाम और बुक्स किसी चीज का नाम. सो हमने यहाँ पर नाउन को अच्छी तरह से समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो मेरी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए और मुझसे उसका हल ले लीजिए. अगर आपको कोई परेशानी इसमें पेश आ रही हो तो मैं आपको इसी आपकी प्रॉब्लम्स पे नई वीडियो भी बना दूंगी. अब हम देखते हैं अपना दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच. अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच, सेकंड पार्ट. स्पीच, यू नो कि स्पीच का मतलब क्या होता है. स्पीच के लिए आपको जिन पार्ट्स की जरूरत होती है वो ये हैं. सबसे पहले हमने नाउन देख लिया, दूसरा उसके बाद आता है प्रोनाउन, देन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. मैं एक दफा फिर से आपको रिवाइंड कर दूं कि स्पीच के लिए हमें जिन पार्ट्स की जरूरत होती है वो हम समझ रहे हैं. सबसे पहले हमने नाउन देखा था, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोनाउन, देन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ये सारे पार्ट्स मिलके हमें कन्वर्सेशन में, स्पीच में मदद देते हैं. ये यूं भी आप समझ सकते हैं कि ये आपकी बुनियाद बनाते हैं. इंग्लिश बोलने के लिए आपको जिन बुनियादों की जरूरत होती है वहां की ये पहली सीढ़ी कहलाते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच. That is pronoun. We also call word use instead of nouns to avoid the some repetition. Instead of using the word man is in a composition, we often write he, himself, in place of word woman, we write. जैसे कि हम कभी कभार शख्स का नाम नहीं लिखते लेकिन उसको किसी इस तरीके से जाहिर करते हैं जैसे कि वो खाता है, वो पीता है, वो जा रहा है, वो सो रहा है. तो इसको हम किस तरीके से जाहिर करते हैं, ये क्या चीज है, ये इंग्लिश में प्रोनाउन कहलाती है. अब इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए. इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑफ द वर्ड, द वर्ड मैन, किसी शख्स, चीज, जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, नाम की जगह जो हम यूज करते हैं कॉम्पोजिशन, वो वर्ड
men in a composition. We often write, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? Write he, she, her, him, himself, herself, they, their, our, we, you. ये सब हमारे पास आते हैं प्रोनाउन में. For both the nouns, we use they, them, themselves. Themselves. अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं. He climbed on the high hill. She drank enough. She drank milk in a cup. अब हमने यहाँ पे तीनों एग्जांपल लिख दी हैं. अब हम इसमें देखेंगे कि प्रोनाउन कहाँ है. जैसे कि हमने देखा कि किसी शख्स को जब उसका नाम नहीं दिया गया हो, मेंशन नहीं किया गया हो, तो उसको किस तरीके से पुकारते हैं. ये किसी को बताने के लिए, किसी से बोलने के लिए कि वो, मुखातिब करने के लिए कि वो लोग, हम, तुम, कैसे बोला जाता है. ये प्रोनाउन कहा है, प्रोनाउन कहलाता है. यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रोनाउन है जो जाहिर करते हैं कि किस शख्स के बारे में बात की जा रही है और वो यहाँ मौजूद नहीं है. ही क्लाइम्ब, वो चढ़ता है हाई हिल पे. शी ड्रैंक मिल्क इन अ कप, वो लड़की को मुखातिब करते हुए कहा जा रहा है कि वो एक कप में दूध पीती है. दूध पी रही थी, दूध पीती है, वो ये काम करती है, वो सोती है, वो जागती है, वो खेल रहे हैं. इन सब को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. तो नाज़रीन, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई दूंगी. अगर आप इसी तरह मेरे वीडियो को समझते रहे, देखते रहे, तो आप बहुत जल्द इंग्लिश में हाई फ्रीक्वेंसी इंग्लिश के कन्वर्सेशन कर सकते हैं. तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और सब्सक्रिप्शन के सामने, सब्सक्राइब बटन के सामने जो आपको बेल आइकन नज़र आ रहा है उसको क्लिक करना मत भूलिए. टाइम की मुद्दत इतनी ना होने की वजह से मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर दो ही पार्ट बताए, नाउन और प्रोनाउन. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा इसी टॉपिक पर मिलती हूँ.
जिसमें हम आपको वर्ब एडवर्ब के बारे में बताएंगे। जब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसको समझने सीखने की कोशिश करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपकी कंस्ट्रक्टर, आपकी इंस्ट्रक्टर, आपकी टीचर सभा को इजाज़त दीजिए जब तक के लिए।